अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब जी। आज मैं आपको टेबल मैट बनाना बताऊंगी, जिसे आप एज ए डाइनिंग टेबल पे टेबल मैट के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसी तरह के छोटे बना के कप ग्लास के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ख़ास तौर पे वैसे ये टेबल मैट के लिए यूज़ होता है, डाइनिंग टेबल के लिए ये मैट यूज़ होते हैं, प्लेट्स वगैरह रखने के लिए, चीज़ें रखने के लिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप मेरे पेज पे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और साथ साथ कमेंट्स भी दें। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है वो 4 चेन लेंगे हम, 1, 2, 3, 4। अच्छा, इसके लिए मैंने 4-ply वूल ली है, सिंपल वाली, ठीक है, और साथ 4 mm का ही क्रोशेट हुक लिया। ठीक है, 1, 2, 3, 4 हो गया। फर्स्ट वाले में से हम स्लिप स्टिच निकाल लेंगे कुछ इस तरीके से, 1, 2, 3 चेन, और यहाँ पे हम करेंगे 1 double crochet एंड 2 double crochet। ये देखिए इस तरीके से ये हमारे 3 काउंट हो जाएंगे, जो 3 चेन है, फर्स्ट डबल क्रोशिया, सेकेंड और थर्ड। अगर 2 चेन हम लेंगे, 1, 2 चेन, अगेन 3 double crochet, 1, 2 and 3, 2 chain, 1, 2, अगेन 3 double crochet, 1, 2, 3। ये देखिए इस तरीके से ये 2 कॉर्नर्स हमारे बन गए। नेक्स्ट 2 चेन अगेन एंड 3 double crochet, 1, 2 and 3, ये 1, 2, 3 कॉर्नर्स आ गए। फोर्थ कॉर्नर के लिए अब देखें, हम अगर 2 चेन लेंगे तो हमें यहाँ पे आके जो है स्लिप स्टिच निकालना होगा, फिर 1, 2, 3 जो है स्लिप स्टिच लेने पड़ेंगे। वो स्लिप स्टिच लेने की बजाय या यहाँ पे चेन लेने की बजाय हम यहाँ पे 1, 2, 3 थर्ड चेन में से 1/2 double crochet निकाल लेंगे यूँ इस तरह। तो ये देखें हमारी 2 चेन की तरह ये काउंट हो जाएगा इस तरीके से, ये देखें। ठीक है, ये 1, 2, 3, 4 कॉर्नर। अब यहीं से हम शुरू करेंगे, 1, 2, 3 चेन, ठीक है, और यहाँ से हम लेंगे बिल्कुल इसके साथ वाले जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है उसका 1, सेकेंड डबल क्रोशिया जो है वो 2, थर्ड डबल क्रोशिया 3, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम 2 चेन जो ली थी उसमें से 2 डबल क्रोशिया लेंगे, 1 and 2, ये इस तरीके से, ठीक है, 2 डबल क्रोशिया लेके चेन में से 2 चेन लेंगे अगेन और 2 डबल क्रोशिए, 1 और 2, कुछ इस तरीके से, ये देखिए। ठीक है, अब जो है अगेन हम जो ये 3 डबल क्रोशिए लिए थे इनमें से इनके ऊपर 1 double crochet, 2, 3, अगेन चेन आ गई हमारे पास इसमें से 2 double crochet, 1, 2, 2 chain एंड अगेन 2 double crochet, 1 and 2, इस तरीके से ये फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर। इसी तरीके से हम यहाँ तक इसको बनाएंगे, ठीक है, लास्ट में लेके आएंगे इसको फोर्थ कॉर्नर तक जी। ये देखें सेकंड रो मेरी कंप्लीट हो गई है, लास्ट में सिर्फ हमारा जो चेन में हमने डालने हैं डबल क्रोशिया वो रह गए हैं। तो उसके लिए अब हम करेंगे
डबल क्रोशे डालेंगे, वन टू, ठीक है, टू चेन, वन टू, अगेन टू डबल क्रोशिया हमने डाले, लेकिन हम वन डबल क्रोशिया लेंगे क्योंकि एक डबल क्रोशिया जो हमने सबसे पहले तीन चेन ली थी वो काउंट हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। वन टू थ्री, थर्ड चेन में से हम जो है वो स्लिप स्टिच निकालेंगे कुछ इस तरीके से, ये देखिए, ठीक है, ये वन टू थ्री फोर कॉर्नर हमारे तैयार हैं। अब ये कॉर्नर्स के अलावा देखें एक रो में कितने डबल क्रोशिया हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन है, ठीक है, ये चेन से लेके इस चेन तक सेवन डबल क्रोशिया, इधर भी सेवन है, इधर भी सेवन है और इधर भी सेवन है। नेक्स्ट जो रो हम शुरू करेंगे उसमें हम देखते हैं वन टू थ्री और अगले स्टिच में डबल क्रोशिया लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ठीक है, सेवन। अभी हमने यहाँ से ये लास्ट वाले जो है ये जो हमने चेन बनाई थी इसका जो कॉर्नर था उसमें से हमने अभी नहीं लिए इसलिए वो काउंट नहीं किए, इसलिए काम है नेक्स्ट रो में हम करेंगे वन टू चेन, अगेन टू डबल क्रोशिया, वन टू डबल क्रोशिया और वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन, ये देखिए इधर से लेके यहाँ तक ये जो हमारे हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन, ये अलेवन है टोटल, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारा कॉर्नर उससे आगे शुरू करेंगे टू चेन और ऐसे ही टू डबल क्रोशिए पहले लेंगे कॉर्नर के लिए, ये कॉर्नर कंप्लीट करके नेक्स्ट जो है हम फर्स्ट डबल क्रोशिए में से लेना शुरू करेंगे डबल क्रोशिए सब में से लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से ये चारों कोने जो हम पूरे करेंगे, यहाँ पे आके तो कुछ देखते हैं आगे, वन टू तो हमारे तैयार हो गए, थर्ड और फोर्थ हमें तैयार करना है, इसी तरीके से उसको तैयार करेंगे। ये देखें वन टू थ्री कॉर्नर तैयार है मेरे, लास्ट कॉर्नर हम तैयार करेंगे टू डबल क्रोशिया लेंगे, वन टू टू चेन, अगेन टू डबल क्रोशिया, वन टू, और लास्ट जो क्रोशिया जो है हम वो यहाँ से निकालेंगे, जो हमारा इसका फर्स्ट क्रोशिया था वहाँ से निकालेंगे, वो हमारा बाकी रह गया था, अगर थ्री चेन जो हमने दी उसमें से स्लिप स्टिच निकालेंगे, ठीक है। ये हमारा थर्ड राउंड जो है वो कंप्लीट हो गया, ये देखें ये थर्ड राउंड हमारा कंप्लीट है इस तरीके से, ठीक है। अब थर्ड राउंड में कितने हैं, ये इस चेन तक, कॉर्नर से कॉर्नर तक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन, अलेवन इधर अलेवन इधर और अलेवन ही इधर डबल क्रोशिया, ठीक है। ये हमारे इस तरीके से तैयार हो गया। अब ये थ्री रो हमने तैयार की, इसी तरीके से नेक्स्ट थ्री रो हम और तैयार करेंगे फोर फाइव सिक्स, ठीक है। ये थ्री रो तैयार करके तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे स्टिचेस जो हैं लास्ट वाली रो में सिक्स वाली रो में कितने आती हैं, ठीक है, फिर वो काउंट करके मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए मेरी सिक्स लाइन कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है, ये देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, टोटल सिक्स लाइन कंप्लीट है। अब सेवन्थ हमने लाइन जो है रो शुरू करनी है और सिक्स रो में जो वो हमारे पास ये कॉर्नर टू कॉर्नर जो डबल क्रोशिए कितने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री, ये 23 हमारे पास टोटल डबल क्रोशिया, 23 ही इस साइड पे
23 इस कॉर्नर टू कॉर्नर तक, 23 इस तक और 23 इस कॉर्नर टू कॉर्नर तक, ठीक है, ये सब में 23 है, ठीक है। नेक्स्ट अब सेवन्थ रो हम शुरू करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन, और नेक्स्ट डबल क्रोशिया सब में से लेंगे, 1 2 3, ये पूरी टोटल लाइन डबल क्रोशिया हम लेंगे कॉर्नर तक, हमारा फर्स्ट कॉर्नर आया। पहले कॉर्नर में से हम 2 डबल क्रोशिया 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया लेते थे, लेकिन अब हम जो है कॉर्नर में 5 डबल क्रोशिया लेंगे, 2 चेन नहीं लेंगे, 1 2 3 4 5, इस तरीके से ये देखें, 1 2 3 4 5, ये 5 डबल क्रोशिया हम लेंगे, इसमें हम कोई चेन नहीं लेंगे, कुछ नहीं लेंगे, और नेक्स्ट जो हम फिर दोबारा से पूरी रो जो डबल क्रोशिया की जितने हैं वो टोटल सब लेंगे, इसी में से हर डबल क्रोशिया में से डबल क्रोशिया निकालेंगे इस तरीके से। नेक्स्ट कॉर्नर जो हमारा, उसमें फिर हम 5 डबल क्रोशिया निकालेंगे, देखें इस तरीके से ये सारा कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट कॉर्नर से फिर 5 डबल क्रोशिया, चेन नहीं बनाएंगे, 5 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट रो कम्प्लीट करके इधर भी 5 डबल क्रोशिया, ठीक है, इसी तरीके से ये सारा हम बनाएंगे, पूरा यहाँ तक कंप्लीट करेंगे ये, ठीक है। सेवन्थ रो पूरी हो जाएगी हमारी इसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको बताया। देखें ये सेवन्थ रो मेरी कंप्लीट हो गई है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इनके कॉर्नर पे 5 स्टिच हम लेंगे, इनमें चेन कोई नहीं लेंगे, ठीक है। ये सारे कॉर्नर्स मैंने तैयार कर लिए हैं 4 के 4, ठीक है। और अब हम जो है वो करेंगे 8th रो इसकी शुरू, ठीक है। 8th रो के लिए सबसे पहले हम लेंगे यहाँ से स्लिप स्टिच लेंगे 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड लास्ट 9। 9 स्टिच लेके अब हम यहाँ 3 चेन लेंगे, फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट हो जाएगा हमारा, सेकंड जो है 1 काउंट हो गया, 2 3 4 5 6 7। अच्छा ये देखें, जो हम 5 डबल क्रोशिया के लिए थे चेन में से, 1 2 3 4 5, उसके 2 हमने चेन डबल क्रोशिया लेके, थर्ड जो था डबल क्रोशिया दरमियान में जो इसके मिड में आते हैं वहाँ से हम डबल क्रोशिया 2 टाइम लेंगे, 1 2, सेम स्टिच में से, ठीक है, जहाँ से हमने शुरू किया 1 2 3 4 5 6 7 स्टिच के बाद हम 2 डबल क्रोशिया लेंगे 1 स्टिच में से, वो आ जाएगा हमारा इसका मिड, बिल्कुल 2 डबल क्रोशिया इधर रह जाएंगे, 2 इधर रह जाएंगे, जो 5 हमने लिए थे ये मिड आ जाएगा, ठीक है, उसमें 2 डबल क्रोशिया लेंगे, और नेक्स्ट फिर हम 7 डबल क्रोशिया सिंगल लेंगे, 1 2 2 3 4 5 6 7, ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा राउंड में, 7 डबल क्रोशिया लेके 2 डबल क्रोशिया एक स्टिच में से लेंगे, और फिर आगे नेक्स्ट 7 डबल क्रोशिया, ठीक है, ये टोटल हमारे हो जाएंगे 7 एंड 7 14 एंड 2
16 क्रोशिया आ जाएंगे आप। नेक्स्ट जो है वो एक स्किप करके ये वाला स्किप कर देंगे। नेक्स्ट इसके चेन जो है सेकेंड चेन में जो हम सिंगल क्रोशिया लेंगे ऐसे, ठीक है, और 11 सिंगल क्रोशिया लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगेन जो है वो हम वन स्टिच स्लिप कर देंगे सेकंड स्टिच में डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 जो क्रोशिया हमारा आएगा उसमें हम 8 चेन में हम लेंगे 2 डबल क्रोशिया। 1 सेम स्टिच में लेंगे एक और, 1 मोर, ठीक है। नेक्स्ट फिर 7 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 7 1 स्किप करेंगे और सिंगल क्रोशिया, ठीक है। ये देखें ये हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ से राउंड आएगा, यहाँ से सीधा, फिर यहाँ से राउंड, यहाँ से फिर सीधा 11 डबल सिंगल क्रोशिया हम लेंगे, फिर जो है 7 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 7 डबल क्रोशिया, फिर जो है वो हम लेंगे 11 सिंगल क्रोशिया, 11 डबल क्रोशिया लेकर 2 डबल क्रोशिया लेंगे एक चेन में से, और फिर नेक्स्ट 7, फिर यहाँ अगेन जो है हमारे वो एक स्किप करके तो 11 जो है सिंगल क्रोशिया, फिर एक स्किप करके इस चेन में थर्ड जो चेन है इसमें से हम स्लिप स्टिच ले लेंगे, तो ये टोटल हमारी रो कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरीके से जैसे ये मैंने तैयार किया इसी तरीके से आप इसको तैयार करें पूरी को, ठीक है। ये देखें ये मेरी 8th रो जो है कंप्लीट हो गई है। मैंने 11 सिंगल क्रोशिया ले ली है और नेक्स्ट जो है हमारा लास्ट जो स्किप कर देंगे यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3 थर्ड चेन में से हम स्लिप स्टिच ले लेंगे इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट जो अब हम अगेन 3 चेन 1 2 3 4 चेन लेंगे और डबल क्रोशिया जो हमारा है सेकंड वाला उसमें से डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। 1 चेन डबल क्रोशिया। इसी तरीके से ये यहाँ तक जितने हमारे डबल क्रोशिया 1 चेन डबल क्रोशिया के साथ हम इनको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। 1 चेन डबल क्रोशिया लेंगे, 1 चेन डबल क्रोशिया, 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 1 चेन डबल क्रोशिया। नेक्स्ट जो है वो ऐसे 1 चेन डबल क्रोशिया, 1 चेन डबल क्रोशिया, 1 चेन एंड लास्ट डबल क्रोशिया आएगी, ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो है 1 पहले हमने यहाँ से चेन स्किप की थी, अब हम 1 2 स्किप करेंगे, ठीक है। 1 2 स्किप करके नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इधर से भी हमने एक स्किप किया और इधर से भी एक सिंगल क्रोशिया स्किप करके एक चेन स्किप करेंगे। नेक्स्ट जो है वो हम ये देखें इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम निकालेंगे इधर से सिंगल क्रोशिया, सॉरी डबल क्रोशिया। 1
चेन, वन क्रोशिया डबल, वन चेन, वन डबल क्रोशिया, वन चेन, वन डबल क्रोशिया, वन चेन, वन डबल क्रोशिया, वन चेन। इसी तरीके से ये पूरा जो है वो हम कंप्लीट करेंगे, ये डबल क्रोशिया और चेन जिस तरीके से हम ये राउंड पूरा किए इसी तरीके से ये हम पूरा करेंगे। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डबल क्रोशिया हैं, ठीक है, और 9 सिंगल क्रोशिया। यहाँ पे 2 एक चेन और एक डबल सिंगल क्रोशिया हम स्किप किया, ये देखें यहाँ भी ये, ठीक है। इसी तरीके से ये सारा हम चलेंगे, पूरी रो इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इधर भी 16 डबल क्रोशिया आएंगे और 16 ही चेन आएंगी, इधर 9 सिंगल क्रोशिया आ जाएंगे, सॉरी ये डबल क्रोशिया आएंगे 16 और चेन, और यहाँ सिंगल क्रोशिया 9, फिर डबल क्रोशिया आएंगे 16, सिंगल क्रोशिया 9, 16 डबल क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया 9, ठीक है। इस तरीके से ये पूरी रो कंप्लीट हो जाएगी, ये देखिए ये मेरी रो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब जो है हम लास्ट जो है 1 2 3 थर्ड चेन में से स्लिप स्टिच निकाल लेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट 1 2 3 फोर्थ चेन अगेन बनाएंगे और फिर ऐसे ही डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, वन चेन डबल क्रोशिया, वन चेन डबल क्रोशिया। इसी तरीके से जैसे पहली रो बनाई थी उसी तरीके से ये रो भी हम तैयार करेंगे, ठीक है। तब तक जिसने मेरा पेज सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ कर लें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन दबाएं और साथ साथ कमेंट्स ज़रूर दें, ठीक है। ये देखें ये वन चेन है और डबल क्रोशिया, फिर वन चेन, फिर डबल क्रोशिया। इसी तरीके से ये सारा हम कंप्लीट करेंगे, ये यहाँ तक जो डबल क्रोशिया हमारे आ रहे हैं वहाँ तक इसी तरीके से जाएंगे। सिक्सटीन डबल क्रोशिया हमारे टोटल सारे ये, ठीक है। वन चेन और ये लास्ट डबल क्रोशिया हमारा 16 है, ठीक है। इस तरीके से ये देखें, ठीक है। नेक्स्ट जो है फिर हम वन जो है सिंगल क्रोशिया स्किप कर देंगे, नेक्स्ट जो सिंगल क्रोशिया उसमें से सिंगल क्रोशिया लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। पहले हमारे 11 थे, फिर हमारे 9 हुए, अब जो है इसमें 7 रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ से हमने फिर एक स्किप कर दी है, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये वन स्किप करके डबल क्रोशिया लेंगे हम, वन चेन डबल क्रोशिया, वन चेन डबल क्रोशिया, वन चेन डबल क्रोशिया, वन चेन डबल क्रोशिया। इसी तरीके से ये 16 डबल क्रोशिया जो है वो वन चेन डबल क्रोशिया, वन चेन डबल क्रोशिया के साथ हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चेन डबल क्रोशिया, वन 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 चेन एंड लास्ट डबल क्रोशिया। ये हमारे 16 टोटल पूरे, वन जो है सिंगल क्रोशिया छोड़ के नेक्स्ट में हम 1 2 3 4 5 6 एंड 7 देखें इस तरीके से, इसी तरीके से ये हम पूरी रो कंप्लीट करेंगे, ठीक है।
ये जिस तरीके से मैंने ये किया है इसी तरीके से पूरी कंप्लीट कर लेंगे। ये मेरी रो कंप्लीट है, ये देखें इस तरीके से ये दिखेगी, ठीक है ये सारी। अच्छा जी, अब जो है हम 1 2 3 थर्ड चेन में जो है स्लिप स्टिच निकाल लेंगे इस तरीके से। 1 2 3 4 पहले हम चेन बनाते थे, यहाँ हम 5 चेन बनाएंगे, ठीक है। 5 चेन बना के डबल क्रोशिया, पहले हमने ये 1 1 चेन का गैप दिया था, अब 2 चेन, 1 2 चेन डबल क्रोशिया, 2 चेन डबल क्रोशिया, 2 चेन डबल क्रोशिया, 2 चेन डबल क्रोशिया, 2 चेन डबल क्रोशिया। इसी तरीके से ये पूरे डबल क्रोशिया हम 2 चेन के साथ कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये 2 चेन डबल क्रोशिया, 2 चेन डबल क्रोशिया, 2 चेन डबल क्रोशिया, टोटल 16 डबल क्रोशिया है। 1 2 अगेन डबल क्रोशिया, 2 चेन डबल क्रोशिया, 2 चेन डबल क्रोशिया, 2 चेन लास्ट डबल क्रोशिया, ये इस तरीके से, ठीक है। ये देखें, अब जो है यहाँ से फिर एक स्किप कर देंगे हम सिंगल क्रोशिया, और 1 2 3 4 5 हो जाएंगे हमारे पास टोटल, ठीक है। यहाँ से एक और स्किप कर देंगे हम, और यहाँ से हम लेंगे सिंगल क्रोशिया, सॉरी डबल क्रोशिया, 2 चेन, 1 2 एंड अगेन सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, सॉरी डबल क्रोशिया, 2 चेन 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 एंड लास्ट डबल क्रोशिया। नेक्स्ट 1 सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में 1 2 3 4 5 ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट 2 चेन सिंगल क्रोशिया, 2 चेन सिंगल क्रोशिया के साथ ये कंप्लीट करेंगे। यहाँ जो आगे हमारे 5 सिंगल क्रोशिया आ जाएंगे, यहाँ भी ये रो पूरी कंप्लीट करके नेक्स्ट रो में भी हम यही प्रोसीजर यूज़ करेंगे। इसी तरीके से हम बनाएंगे 2 चेन के साथ, 2 चेन सिंगल डबल क्रोशिया, 2 चेन डबल क्रोशिया, 2 चेन डबल क्रोशिया। इसी तरीके से ये सारा राउंड जो है कम्प्लीट करके यहाँ पे जो है हमारे यहाँ 5 सिंगल क्रोशिया थे, नेक्स्ट रो में हमारे पास 3 रह जाएंगे। 1 2 3 4 5 है, वहाँ 3 रह जाएंगे।
बाकी सारा प्रोसीजर यही है, ठीक है। ये दोनों रो कंप्लीट करके तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट मिश्रक ये फ़र्क आएगा, आपका डिफरेंस होगा कि यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशिए हमारे आ जाएंगे, यहाँ 5 है वो उसमें 3 आ जाएंगे नेक्स्ट रो में। तो उस तरीके से ये पूरा राउंड जो है नेक्स्ट भी कम्प्लीट हो जाएगा। ये कम्प्लीट करके नेक्स्ट राउंड कम्प्लीट करके तो मैं आपको दिखाती हूँ। जी ये देखिए ये कुछ इस तरह से तैयार हुआ है, मैंने दो रो कम्प्लीट कर ली है, इसके लास्ट में 1, 2, 3 आए थे सिंगल क्रोशिया, ठीक है। जो फर्स्ट रो मैंने आपको बताई थी छोड़ी थी जहाँ पे मैंने, वो 5 थे, यहाँ पे 3 आए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हम 1, 2, 3 थर्ड चेन में से स्लिप स्टिच निकाल लेंगे इसको इस तरीके से। अब ये सेकंड लास्ट रो है हमारी, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 चेन लेंगे, ठीक है। 6 चेन लेके फर्स्ट डबल क्रोशिया लेंगे इधर से हम इस तरीके से, ठीक है। यहाँ हमने पहले 1 चेन ली थी, फिर 2 की हमने दो लाइनें जो है 2 की बनाई थी, 2 चेन ली थी डबल क्रोशिया की, अब हम 3 चेन लेंगे, 1, 2, 3 चेन लेके डबल क्रोशिया, 1, 2, 3 और डबल क्रोशिया, 3 चेन, डबल क्रोशिया, अगेन 3 चेन, डबल क्रोशिया, 1, 2, 3 डबल क्रोशिया, 1, 2, 3 डबल क्रोशिया। सेम इसी तरीके से ये बनाएंगे हम पूरा, ठीक है। 3 चेन डबल क्रोशिया, 3 चेन डबल क्रोशिया, अगेन 3 चेन डबल क्रोशिया, 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 3 चेन, लास्ट डबल क्रोशिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास सिंगल क्रोशिया जो हमने लेना है वो सिर्फ हमारे पास रह जाएगा 1, ठीक है। ये फर्स्ट हम स्किप कर देंगे और ये सिर्फ 1 रह जाएगा, इधर से फिर हम स्किप कर देंगे और डबल क्रोशिया ले लेंगे इस तरीके से, ठीक है। 3 चेन और ये डबल क्रोशिया, 3 चेन और डबल क्रोशिया, ये देखें ये इस तरीके से आएगा 3 चेन के साथ डबल क्रोशिया और यहाँ पे 1 सिर्फ आएगा सिंगल क्रोशिया। इसी तरीके से ये पूरी रो जो है पूरा जो है हम कंप्लीट कर लेंगे इसका ये सारा, ठीक है। डबल क्रोशिया, 1, 2, 3 डबल क्रोशिया, इस तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे। ये देखिए मेरा लास्ट जो है कंप्लीट हो गया। लास्ट मैंने सिंगल क्रोशिया लिया था, 1, 2, 3 थर्ड चेन में से स्लिप स्टिच निकालेंगे इस तरीके से। नेक्स्ट अब लास्ट रो हम शुरू करेंगे 1, 2, 3 चेन के साथ, ठीक है। 3 चेन और 1, 2, 3, ये जो हमने 3 चेन ली थी उनके अंदर से 3 डबल क्रोशिया निकालेंगे, ठीक है। 1, 2, 3 निकाल के डबल क्रोशिया और 1 डबल क्रोशिया इस डबल क्रोशिया के ऊपर ही आ जाएगा इस तरीके से। ये देखें 1, 2, 3 और 1 जो है इस डबल क्रोशिया के ऊपर हमारा डबल क्रोशिया आ जाएगा ये इस तरीके से।
टू थ्री और यहाँ ऐसे, ठीक है। इसी तरीके से ये पूरी रो चलेगी, अब पूरा जो है ये सारा पूरी रो जो है हमारी इसी तरीके से कंप्लीट होगी। इस तरीके से 1 2 3 1 डबल क्रोशिया, 1 2 3 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 एंड लास्ट डबल क्रोशिया इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया थे स्किप करके डबल क्रोशिया उसमें से ले लेंगे हम, डबल क्रोशिया में से फिर 3 डबल क्रोशिया चेन में से 2 3 और इसी तरीके से ये देखिए यहाँ से ये इस तरीके से आएगी सारा, इसको हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे इसी तरीके से, ठीक है। ये लास्ट रो हमारी, इसको पूरी को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया, ये लास्ट रो इसकी जो थी वो मैंने कंप्लीट करके फर्स्ट रो 3 चेन थी उसमें से स्लिप स्टिच लेके इसको बंद कर दिया है, वूल मैंने कट कर दिया है। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत तैयार हुआ है। तो इसको आप एज ए टेबल मैट इस्तेमाल कर सकते हैं, डाइनिंग टेबल पे रखने के लिए, प्लेट्स रखने के लिए, जग वगैरह दरमियान में अगर आप ये रखेंगे तो कुछ बाज रख के, तो साइड पे इसी तरीके के छोटे आप बना के वो रख सकते हैं। ये आपके अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, कलर आपके अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करते हैं, जौन सा मर्ज़ी आप कलर चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत खूबसूरत लगता है, ये देखें इसके 4 पेटल की तरह, फ्लावर की तरह आ गए हैं, 4 पेटल हैं इसके और ये कम्प्लीट है। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अब मुझे इजाज़त दीजिए नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।